बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इफेक्टिव संदीप में। लास्ट लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी 8th क्लास के लिए, और ये वीडियो भी 8th क्लास के लिए है। और उसमें मैंने रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस कराया था, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ मैंने क्लियर कराई थी। तो आफ्टर प्रॉपर्टीज़ हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, ये हम करते कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि नॉर्मली बहुत सारे बच्चों को ये देखने में आया है कि सब्ट्रैक्शन अक्सर करके वो गलत कर देते हैं। तो आइए चलते हैं, हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं रैशनल नंबर में। सबसे पहली चीज़, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर फॉर रैशनल नंबर्स ए एंड बी एंड सी अपॉन डी, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। वी डिफाइन ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी प्लस माइनस सी अपॉन डी। हम ये भी लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में भी हो सकता है सब्ट्रैक्ट, या इस फॉर्म में भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। या कह सकते हैं कि ए अपॉन बी प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ सी अपॉन डी, इसका मतलब भी ये सेम ही है। यानी तीनों फॉर्म में हम सीख सकते हैं सब्ट्रैक्शन करना, या तीनों को हम सेम ही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इस फॉर्म से भी आप समझ सकते हो, इस फॉर्म से भी आप समझ सकते हो, इस फॉर्म में भी सब्ट्रैक्शन करना है और इस फॉर्म में भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ये चीज़ ध्यान रहे कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, तब भी बच्चे गलत कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको करना क्या है, सिंपली आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, बिकॉज एडिटिव इनवर्स मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर वन, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3। सबसे पहली चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है कि फ्रॉम का मतलब हो गया यहाँ पर कि ये नंबर बड़ा हो गया, यानी कि आप इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो यानी जब मैं इसको पहले लिखूँगा तो कुछ सॉल्यूशन में इस तरह से है, 2/3 हमने उठाया इसको और ये पहले लिख लेंगे। नॉर्मली बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस में बता देता हूँ कि 3/4, और उन्होंने देखा सब्ट्रैक्ट और क्या किया, 3/4 को सीधे 3/4 में से सीधे माइनस कर देते हैं 2/3, जो कि नहीं करना है। आपको करना क्या है, फ्रॉम का मतलब हो गया कि इस नंबर को उठाइए और आगे रखिए, और साथ में सब्ट्रैक्ट बोला है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाइए एंड देन 3/4। या हम सिंपली कह सकते हैं क्या कि 2/3 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4। ओके, तो मैंने अभी ऊपर जस्ट समझाया है कि सेम ही चीज़ है, सेम ही बात कह रहा है और सेम सब्ट्रैक्ट करना है। तो करेंगे क्या, नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं अब आप, ठीक है। अब इसको करने के बाद करना क्या है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में या इसका आगे का रूल आपको पता है कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12, 3/4 का एलसीएम आएगा 12, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा -1/12। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इंटीजर का रूल लगाया हुआ है। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल इसमें भी क्या है, -2/5 एंड माइनस फिर -5/7, ये आपका एक एग्जाम्पल है। इसको भी हम वही चीज़ सेम लिख सकते हैं, -2/5 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, -2/5, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये एडिटिव इनवर्स है तो माइनस साइन है, तो जब एडिटिव इनवर्स में भी माइनस साइन लगेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है बिकॉज, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/7 इज 5/7, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 5/7 है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसा कि आपको पता है, तो एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे, 11/35 आ गया। अब कई बार देखने में आया कि स्कूल में एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5। अब दो रैशनल नंबर का सम जो दिया हुआ है वो -5 दिया हुआ है, इफ़ वन ऑफ देम इज -13/6 और उनमें से एक नंबर ये दिया हुआ है, फाइंड द अदर, तो दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो जनरली बच्चे करते क्या है कि इसको छोड़ देते हैं, या फिर नहीं समझ में आता या गलत कर देते हैं।
तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देख के, आपको करना क्या है, जो अदर नंबर है उसको लेट कर लीजिए एक्स। तो हमने क्या बोला, लेट द अदर नंबर बी एक्स, देन एक्स प्लस में जो एक नंबर आपको दिया था आप उसको लिख लेंगे, एक्स प्लस में दिस इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, क्योंकि यहाँ पर सम दिया हुआ है हमें, ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज माइनस फाइव, तो माइनस फाइव हमें दिया हुआ है, हम इसको सिंपली लिख सकते हैं एक्स प्लस में माइनस थर्टीन बाई सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, और फिर इसको सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन की तरह, हम इसको पॉजिटिव साइन में ले जाएंगे यानी कि राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा यानी 13 बाय 6 हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 होगा, और 1 से 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 6 ही आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे माइनस 17 बाय 6 आ गया, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज माइनस 17 बाय 6। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, इतना आंसर आप कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। एक नंबर, एक क्वेश्चन और आ जाता है इसी से रिलेटेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट 4/9, यानी क्या नंबर हम ऐड करें माइनस 7/8 में जो हमें 4/9 मिल जाए, यानी कि हमें आंसर दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है, तो हम करेंगे क्या, लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड बी एक्स, मान लीजिए कि हमें जो ऐड करना है वो नंबर है एक्स, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे माइनस सेवन को पहले लिखना है, माइनस सेवन बाई एट प्लस में एक्स इज इक्वल टू 4/9, ये हमारा आंसर है, इसलिए हमने आंसर को राइट हैंड साइड पे इक्वल के बगल में रखा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ सेम वही आपका सेम वही रूल यूज़ किया जाएगा लीनियर इक्वेशन वाला, कि आपने माइनस वाले साइन को इधर की साइड ले गए, LHS से RHS जब जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होता ही 7/8 हो गया ये, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 95/72। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इसी से रिलेटेड है, और उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज क्या किया है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं सब्ट्रैक्टेड में, तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 5/7 टू गेट माइनस 1, हमें ये 1 चाहिए, ठीक है, और ऐसा क्या नंबर हम इसमें से माइनस करें, फ्रॉम बोला है तो आपका समझ में आ गया होगा, लास्ट टाइम मैंने बताया था अभी कि फ्रॉम बोले तो माइनस 5/7 को हम पहले रखते हैं, तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर आ गया माइनस एक्स हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो हम जब एक्स को इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इधर ले जाया इसको लेके गया, तो इस इधर हो गया एक्स यानी पॉजिटिव हो गया, और फिर ये माइनस वन अपनी जगह पे है, ठीक है, इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो यानी प्लस वन हो जाएगा और ये अपनी जगह पे है, ठीक है, इसको जब हमने किया तो सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आ गया 2/7, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 2/7। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी को अच्छा लगा होगा और सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो थैंक यू वेरी मच।